फेसबुक इंस्टा अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम या फिर यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना करियर बनाना चाहते हो तो ऐसे में आपको बेस्ट वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। अगर आपको बेस्ट वीडियो एडिटिंग आता है तभी जाके आप ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाओगे। अगर आप ऑडियंस को इम्प्रेस कर ले रहे हो अपने वीडियो एडिटिंग के थ्रू तब आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप आगे मेरा टेक वीडियो देखना चाहते हो और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे आगे टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहे। फर्स्ट है वीडियो ग्रुप। वीडियो ग्रुप में आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो। आप जान लेते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आपको 50 प्लस फिल्टर्स मिलेंगे और 50 प्लस ट्रांजिशन मिलेंगे, 50 प्लस आपको इफेक्ट मिलेंगे, 100 प्लस आपको फ्री नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिलेगा जिसे आप यूज करोगे तो कोई भी कॉपीराइट नहीं लगेगा ना कोई क्लेम आएगा। अदरवाइज अगर आप इसमें वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो आपको विदाउट वाटरमार्क एक्सपोर्ट होगा। अगर आपको वाटरमार्क देखने को मिलता है तो आपको बगल में एक ऐड आएगा, उसको देखना होगा। और अगर आप ऐड देख लेते हो तो ऑटोमेटिक वाटरमार्क हट जाएगा। और भी इसमें बहुत से फीचर हैं जिन्हें आपको ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगा। सेकेंड है ग्लिच वीडियो इफेक्ट। ग्लिच वीडियो एडिटिंग ऐप्स में आप प्रोफेशनल तरीके से फोटो एंड वीडियो दोनों एडिट कर सकते हो। ऐसे में अगर आपको शॉर्ट वीडियो एडिट करना है, आपको जिसमें जितना फीचर शॉर्ट वीडियो में यूज होता है वो सब इसी ऐप में अवेलेबल है। यह वीडियो शॉर्ट वीडियो एडिट करने में सबसे बेस्ट है, जैसे जिली मोज या YT शॉर्ट या किसी भी शॉर्ट प्लेटफॉर्म हो, शॉर्ट वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म हो, उस पर आप यूज कर सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट ऐप है। जितने आपको ऐप्स मतलब जितने फीचर्स को आपको शॉर्ट वीडियो एडिट करने में जरूरत पड़ता है वो इसमें सभी अवेलेबल है। थर्ड है फिल्म मेकर प्रो। बहुत ही अच्छा ऐप है जिसमें आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट फिल्म एडिट करना है तो इसमें आप आसानी से एडिट कर सकते हो। अदरवाइज इसमें आपको 200 से प्लस आपको इंट्रो मिलेगा जिसमें आपको लोगो और चैनल का नेम सिर्फ ऐड करना होगा। प्लस में आपको इसमें म्यूजिक, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, वीडियो और सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड जितने फीचर्स एक शॉर्ट फिल्म में एडिट करने में चाहिए आपको वो सभी इसमें अवेलेबल हैं। प्लस में आपको इतने ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ऐप्स में क्या खूबियाँ हैं और क्या खास बात है। ये काइन मास्टर अगर यूज कर रहे हो आप तो इस ऐप को यूज करने के बाद आप शायद काइन मास्टर को भूल जाओ। अदरवाइज अगर आपको इस ऐप जल्दी तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पसंद आ गया, इतना सॉलिड से वीडियो एडिट होगा आपका। अगर आप फिल्म मेकर पे ट्यूटोरियल चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और उसका मैं ट्यूटोरियल आपको दिखा दूंगा। फिर आपको पता चलेगा कि इस ऐप्स में कितनी कला है और कितनी फीचर्स इसमें हैं। फोर्थ है ब्लॉग यू। बहुत अच्छा ऐप्स है जो कि आप ब्लॉग एडिट कर सकते हो। ब्लॉग वीडियो अगर आप ब्लॉगर हो तो ब्लॉग वीडियो इस ऐप से बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हो। जितने फीचर्स आप एक ब्लॉग एडिट करने में होते हैं, जितने फीचर्स होते हैं, इफेक्ट, ट्रांजिशन, एलिमेंट्स जो आपको यूज होता है वो सभी इस ऐप में अवेलेबल हैं। जितने ब्लॉगर्स हैं अगर इस ऐप को आप यूज करते हो, अगर आप बिगनर ब्लॉगर हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% प्रोफेशनल वीडियो एडिट होगा इस ऐप से। और ये बहुत ही अच्छा है ब्लॉगिंग के लिए एडिट ऐप है। अगर आप एक ब्लॉगर हो तो इस ऐप को यूज कर सकते हो। अब फिफ्थ है पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर बहुत ही अच्छा ऐप्स है जिसके बारे में आप बहुत लोग जानते हो। पावर डायरेक्टर एक ऐसा ऐप है जो कि यह टिकटॉक बैन होने से पहले जितने टिकटॉकर थे उसमें 90% लोग इस ऐप को यूज करते थे और इसी से ट्रांजिशन और सब जो जितने भी उसमें कलाकारी करते थे टिकटॉक में वो सभी इसी ऐप से करते थे। ये सबसे बेस्ट ऐप है अगर आप शॉर्ट वीडियो या कोई अदर वीडियो एडिट करते हो तो इस वीडियो से आसानी से कर सकते हो। और ये मैं बताना चाहूँगा जितने टिकटॉकर लाइक की पे थे ये सभी इस ऐप को यूज करते थे। और इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद। एलिमेंट्स, इफेक्ट, क्रोमा की एक्सपोर्ट आप 4K HD से कर सकते हो। और प्लस में बहुत से ऐसे फीचर्स इसमें हैं जो कि आप इंस्टॉल करो उसके बाद देख लो और कितने इसमें फीचर्स हैं आपको पता ही चल जाएगा। सो फ्रेंड, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको कौन सा ऐप्स पसंद आया। और वीडियो में अगर कोई कमी हो तो उसे भी कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।